हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी और मक्खन का गोला। देखो कितना बढ़िया निकला है यार, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बन गया है गाइस घी इसका। तो चलिए अभी बरनी में डाल देती हूँ। और देखो पूरी बरनी भर गई थी। एक एक ही गोला था, दूसरा गोला बाकी था, तो वो मैंने एक एक गोला करके मैंने उसको गर्म किया है। तो ये देखिए इतना घी निकला है। और जब दोनों गोले मैंने गरम कर दिए, उसके बाद पूरी भरनी भर गई गाइस। अब ये घी मुझे काफ़ी दिन तक चल जाएगा, मतलब टेंशन ही नहीं है। अभी पूरा समर इसमें निकल जाएगा, बट अभी निकलता ही रहता है, हफ्ते के हफ्ते घी निकलता ही रहता है, तो इतना टेंशन नहीं है। ये 2 हफ्ते का घी था, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला था ना, तो इसी वजह से 2 हफ्ते की मलाई जो है वो जमा करके रख दी थी। तो वो वाला घी अभी बन गया है गाइस। और यहाँ पर बर्नी में से ये मूंगफली भी ख़त्म हो गई थी, वो भी फिल करके रख रही हूँ। और इसी तरह से बहुत सारे कंटेनर ऐसे खाली हो गए थे जिसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया था इतने दिनों में, तो वो अभी फिल करके रखूँगी। साबुदाना है और बाकी के छोटे छोटे कंटेनर्स भी है, वो भी फिल करके रखूँगी। और मूंगफली का एक छोटा कंटेनर भी मैं भर के रखती हूँ, ताकि मुझे बड़ा कंटेनर निकालने की ज़रूरत ना पड़े डेली यूज़ के लिए। ये छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं जो मैंने वो वाले रैक में रखे हैं, आप देख लेना। पूरे मसाले वाला ही वो रैक बनाया हुआ है, एक लाइन में मैंने वो पूरे मसाले या छोटी छोटी चीज़ें वो वहाँ पर रखी है। तो ये पूरे लाइन में रखी है सारी चीज़ें इसमें। और फिर ये भी अभी साबुदाना भी ख़त्म हो गया है, तो साबुदाना भी भर के रख देती हूँ। तो ये सारे फिल करके रखने थे। अभी सब लोग थे ना, तो उस टाइम पे खाली हो गए सारे और मेरा ध्यान ही नहीं गया रिफिल करने का, तो इसी वजह से अभी फिल करके रख रही हूँ वो। और हाँ गाइज, ये देखिए पूरी जो भरनी है वो घी से भर गई है। अब एक्चुअली जो क्या बोलते हैं, विंटर में जो ख़त्म हो गया था ना घी लड्डू में, तो वो पूरा घी वो वापस आ गया है। एक्चुअली 2 पतीले थे उसके मलाई के जमा किए हुए मैंने, और मेरा घी बनाना हो ही नहीं रहा था। फाइनली आज डिसाइड किया, पहले एक पतीले का बनाया और दूसरा, तो ये पूरी भरनी भर गई है। अभी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखती हूँ, फिर कैबिनेट में रख दूंगी। आज फिर से मैंने अपने लिए ब्रोकली की सब्जी बना ली। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसी वजह से शेयर नहीं की। अब बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे हैं। बच्चों के लिए क्या क्या बना था? दाल, चावल, उसके बाद रोटी और ये मिक्स सब्जी, मतलब ब्रोकली है इसमें, इसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है, आलू है। ये मिक्स सब्जी है आज बच्चों के लिए बनाई थी, मतलब बच्चों के लिए और इनके लिए। अभी इनका खाना हो गया है, बस ये उठा के रख देती हूँ। मेरा सिर्फ खाना बाकी है, तो अभी मैं भी लंच कर लेती हूँ। आई और बच्चों को पानी पूरी खानी है, पहली बार घर के सामने पानी पूरी वाला आया है। चलो खाओ जाओ। मम्मा को ललचाना है, नहीं मैं नहीं लंच जाऊंगी, मतलब होता तो नहीं है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, चलो पानी चलो नहीं आएगा। खाओ, खा लो ना, जाओ। क्या खाना है? पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, क्या खाना है अद्वि? हाथ धोना है क्या? मतलब उनसे पूछ रहे हो कि जाओ हाथ धो के आ जाओ, अंदर से अद्वि, जाओ जाओ अंदर से, अंदर से जाओ जाओ, घर के सामने हो ना आप अभी। यही तो फायदा होता है घर के सामने रहने का। मैं हैंड वॉश कर लिया आपने? अच्छा अच्छा ठीक है, लो। तेज हो ना, खट्टे मीठे बेटा? थोड़ा सा तेज, खटाई मिक्स होना ना। हाँ खटाई मिक्स, थोड़ा सा तेज खाने लगी है माही अब तो। नहीं अभी तक कहाँ खाती है वो तेज। आ गया भाग के, खुद को बंदर बोल रहा है। नहीं हो तुम तो गुड बॉय हो। हाँ देखो अंकल क्या बोल रहे, सुन लो, गुड बॉय बोला अंकल ने। अब हाँ गुड बॉय जैसे रहना। अच्छा अच्छा और फिर अब खाओ जितना खाना है, और क्या क्या खाना है वो भी बता दो अंकल को। खाने दो उसे, उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ आराम से खाओ, आराम से। हाँ
अरे बाप रे, अरे बाप रे, हो गया, हो गया, एक में एक ही आलू पोंगा चाहिए उसको। अच्छा 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 आलू पोंगा दे दो भैया। अच्छा ज्यादा मीठा हो गया था, तीखा बोलो ना फिर उनको। क्या? नहीं आलू पोंगा ही चाहिए उसको, अब आलू पोंगा दे दो। आलू पोंगे से अच्छा है या पानी पूरी से अच्छा? आपको ज्यादा मीठा लगा शायद, है ना? ठीक है कोई बात नहीं, वो आलू पोंगा खा लो। तेल पूड़ी अच्छा है बोल रहे हैं, मतलब तेल रोटी, तेल नमक रोटी, रोल, हाँ तेल नमक रोटी का रोल अच्छा है बोल। इसको ये बहुत तीखा खाता है और ये बहुत कम खाती है। हाँ वो आपका है, वो मेरा नहीं है। और तीखा दो, और तीखा दो। नहीं तो क्या, आंसू टपक रहे थे उधर के बच्चे बुला रहे। क्या बोल रहे हैं ये? नहीं क्या, और ठीक है आलू पोंगा चाहिए, ले लो ना फिर आलू पोंगा, बोल लो ना अंकल को। इनके इसके लिए भी बनाना। हाँ हाँ डाल दो सब। इसके लिए भी आलू पोंगा बनाना। डालूं क्या? हाँ डालो ना, खाएंगे। हाँ 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 खाते खाते। खाऊंगा। हाँ अद्विक अंदर जाके बैठो, जाओ। और कम होएगा तो यहाँ पे नहीं, चलो आओ आओ अंदर यहाँ पे। अरे आप दूसरा ले लो प्लेट माही, और अंदर यहाँ पर आकर बैठो। चलो यहाँ पे आराम से आके बैठो, आप अभी घर के सामने हो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ अभी आई थी मैं जिम से, दिखे वो अंकल मुझे, मैंने बोला चलो बच्चों को खिला देते हैं। ये ऐसे, हाँ बहुत अच्छा हुआ। हाँ रुको रुको रुको, हाँ लाइट लगाती हूँ। खा लो भाई, अद्विक दे रहा है, अद्विक दे रहा है, खा लो। हाँ बस 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 खा लिया सबने, आप खाओ जल्दी जल्दी। उसको लगा के खाना पड़ता है अद्विक, आपको पिछली बार भी बोला था, उसको लगा के खाना पड़ता है। आलू पोंगा कैसे होता है? इसे ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे, और ये ऐसे मुंह में, ये गया मुंह में, खाओ। बस 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 यही गाना गा गा के दीदी को परेशान किया आपने, है ना? दीदी आके कंप्लेंट कर रही है माही कि इसने इतना परेशान किया। ये और हाँ आप लोग बोल रहे थे ना कि ये झूला कहाँ है, झूला कहाँ है, अब टांग दिया यार, अच्छा हो गया याद दिलाई आपने। मतलब इस झूले की याद ही नहीं थी मुझे, ये झूला अंदर पड़ा हुआ था, तो अभी याद दिलाया आपने। उसी दिन इनको बोला टांगने के लिए, इन्होंने टांग दिया। ये पानी, अभी जाओ अंदर और पानी ले लो, जाओ जल्दी से। रुको मिलाती हूँ। हाँ लो लो पकड़ो, पानी लो। थैंक यू, वेलकम। अच्छा है माई, टेस्टी है? अच्छा खाओ। बहुत। मेरा डिनर बाकी है, टेंशन मत लो। नहीं बाबा आप खाओ, मेरे ध्यान में नहीं आया आपकी डाइटिंग चल रही है। अच्छा आपके ध्यान में नहीं था मेरी डाइटिंग चल रही है करके बन गया। अच्छा अच्छा आपको तोड़ के दिए क्या? हाँ। तोड़ के दिए क्या? मेरे वो पेपर वाली अद्विक किसकी है? नहीं इसमें कम लग रहा है ये। इसमें कम नहीं है, छोटे हैं और इसमें से ऐसे वैसे थे। अच्छा 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 मैंने इसमें मान लिया था अद्विक किसमें डाली। अच्छा अच्छा इसीलिए आपको ये कलर पसंद है, आप खाते हो और ये मतलब उसको येल्लो येल्लो अच्छा लगते हैं, और ये थोड़े से ज्यादा हुए हुए ब्राउन हुए हुए नहीं पसंद है ना, और वो अद्विक को दे देती है। कितनी होशियार है माई दीदी। बिग ब्रेन वाला गेम खेला, क्या बिग ब्रेन वाला गेम खेला हुआ माई दीदी ने, इसीलिए ब्रेन आ गया माई दीदी में। और आप ब्रेन वाली गमीज खा रहे हो तो भी ब्रेन नहीं आया आप में। अच्छा ब्रेन वाला गेम खेल रही तो आता दिमाग में आता नहीं। कितना होशियार है ये।
यो भी आया अद्विक, मुझे नहीं और चाहिए, नहीं खाना नहीं है नहीं, अरे खा लेना था ना, और नहीं माही आप ही खाओ बेटा, ऐसा करता है बच्चा, गुड बॉय नहीं है ये, क्योंकि तीखा लगता है, तीखा नहीं है ज्यादा, माही आप भी खा लो ये बेटा, आपका भी हो गया क्या, आइए इसने पानी पूरी खाई, अभी खाना खाना ही नहीं है आपको, है ना, मुझे लगा ही था अभी हाँ। वो अंकल कल आएंगे भी ना, उनको पता चल गया अब ये लोग खाने वाले हैं, आएंगे भी ना तो भी नहीं देने वाली कल आपको, क्योंकि खाना ही नहीं खा रहे हो आप अभी इसके बाद, अद्वि नहीं खाना नहीं खाना है ना, मुझे लगा ही था, नहीं नहीं चाहिए, खाना खाऊंगा मैं, ठीक है ना, देखते नहीं। प्लेट और ये पैसे दे के आ जाओ, वो प्लेट में वो वाली निकाल लो और वो वाली प्लेट दे के आ जाओ उनको, चलो यार मुझे अभी डिनर बनाना जान पे आ रहा है, आते ही बच्चों को तो खिला दिया और अभी मैं अपने लिए ऑमलेट ही बनाने वाली हूँ, सिर्फ दो ही अंडों का बनाऊंगी और उसमें से व्हाइट वाला ही पार्ट खाऊंगी, वो जो येलो वाला पार्ट है वो निकाल दूंगी, बस अभी जान पे आ रहा है, आज तो डिनर यही होगा, उसके साथ कर्ड ले लूंगी अच्छा सा, कटोरी भर के एक हो जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा मुझे, चलो। अरे यार पैन बहुत ज्यादा गर्म हो गया, एक बात बोलो मम्मा, आप में पतली लग रही हो आजकल, थैंक यू, आप भी बोलो यार पतली लग रही होगी, नहीं मैं इधर दिखाओ, ये यहाँ पर कैसे बनाती हूँ, तो बस घी डाला है एक चम्मच और उसके बाद ये ना एक्चुअली मेरे से येलो पार्ट निकलता नहीं है, इसी वजह से मैं डायरेक्ट ही डाल देती हूँ, फिर बाद में जब ये पूरा पक जाता है ना तो येलो ये पूरा ऐसे ही निकल जाता है पकने के बाद, नहीं तो अगर येलो निकालने लगूँ ना तो फिर वो व्हाइट में येलो मिक्स हो जाता है, तो इसीलिए मैं वैसे निकालती नहीं हूँ। ये येलो को क्या बोलते हैं वैसे? हाँ यॉर्क, दर्जी, हाँ यॉर्क, यॉर्क एग यॉर्क, हाँ तो हाँ, वो तीन अंडे का बना लूँ क्या, तीन अंडे का, मेरी भूख नहीं होगी, हाँ अरे यार बना लेती हूँ तीन अंडे का, अद्विक भी खा सकता है फिर बीच में खाता है वो मेरे साथ, फिर बाद में बोलता है अब तो भूख नहीं थी उसको और बीच में दे देती उसको, ये तीन अंडे का, फिर ये पूरा जब पक जाएगा ना तो वहां से वो निकाल सकते हैं हम लोग उतना ही, और अगर निकालने जाओ वैसे तो मेरे से तो नहीं निकलता यार, अभी हो गया, इसमें मैं डालूंगी अब लाल मिर्च पाउडर और बस थोड़ा सा नमक, ऊपर से ही लाल मिर्च पाउडर जितना चाहिए उतना डाल दो, बस हो गया लाल मिर्च पाउडर और सिर्फ नमक, बाकी कुछ भी नहीं उसमें जाएगा, देखो हल्का सा सादा नमक नहीं, वो भी पिंक सॉल्ट, ये पिंक सॉल्ट है, बस थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालती हूँ नमक, ठीक है ये हो गया, मम्मा ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है? ना ज़्यादा नमक खाने से वाटर रिटेंशन होता है, और इस नमक से नहीं होता है वाटर रिटेंशन, बट फिर भी ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, देखो थोड़ा सा डाल दिया और बहुत ही कम हो गया था वो, और बस इसे अच्छे से एक साइड से पकने दूंगी, फ्लिप करूंगी, उसके बाद दूसरे साइड से पकने दूंगी और हो गया, बन गया ऑमलेट, इसके ऊपर जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं डालती हूँ जीरा पाउडर, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, ये जीरा पाउडर मैंने जीरे को भून के ये पाउडर बना के रखा है, तो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है जीरा पाउडर, देखो ये डाल दिया जीरा पाउडर, बस अभी बन जाएगा ऑमलेट, उसके साथ दही ले लूंगी एक कटोरी, इतना इतना कटोरी दही, इतनी इतनी कटोरी ले लूंगी, और उसके बाद नहीं तो फिर क्या बोलते हो ऑमलेट के साथ वो भी ले सकते हो, छाछ भी ले सकते हो दही का, अगर दही पसंद नहीं है, दही में सिर्फ चीनी नहीं डालना है ना तो नमक डालना है, बस वैसे ही दही लेना है, कुछ भी नहीं डालना है उसमें, और उसके बाद क्या बोलते तो अपना क्या बोलने वाली थी भूल गई, ये एक साइड से पकने देती हूँ, जल्दी पकने के लिए ऊपर ढक्कन रख देती हूँ, बड़ा अब इसके ऊपर हाथ रख देते हैं, नहीं रे गरम गरम होगा, गरम हो जाएगा, ठीक है चलो गाइस मैं डिनर करती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अभी थक गई हूँ, उधर से आने के बाद ना बात करने का मन नहीं करता है, मतलब ज्यादा बातें करने का मन नहीं करता है, बस ऐसा लगता है कि खा लो और आराम से लेट जाओ सो जाओ, गाइस देखो मम्मा आपके लिए मेहनत कर रही है कि आपको अच्छी दिखनी चाहिए मम्मा, ऐसे आप कमेंट्स करते फिर मोटी हो रही हो जरा सी, मेंटेन करो आपके वजन को जरा सा, मेंटेन अरे यार मेंटेन कर रही हूँ अभी, आप लोग बताओ कम हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ, रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मुझे,
और हाँ कल आपके लिए मतलब हाँ उससे पहले ही शायद, मतलब अभी ये जो मैं शूट कर रही हूँ उससे पहले ही आपको डाइट प्लान मिल जाएगा शायद, हो सकता है मैं कल आपके लिए डाइट प्लान लेके आऊँ। और मैं जो जो करती हूँ सुबह से लेके शाम तक वो पूरा, मतलब शाम तक मीन्स मैं उसमें ही बताऊंगी कि आपको मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए। और हाँ मेरा जो वेट है ना वो 7 kg and half का भी दिखाता है, 7 kg and 300 ऐसा कुछ तो भी दिखाता है, तो ऐसे इतना कम हुआ है मतलब मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है 300 and half हुआ है या 700 and half हुआ है या 700 and 300 हुआ है, कुछ तो भी 700 and 300 7.3 हुआ है या 7.300 हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि 7 ही समझ लो आप, 1.5 month भी नहीं हुआ है अभी तक मुझे, मतलब वर्कआउट करते हुए अच्छे से वर्कआउट करते हुए और डाइट करते हुए, डाइट करते हुए तो 1.5 month भी नहीं हुआ है, 1 month and 10 days 1 month and 9 days ऐसे कुछ तो भी हुआ है, तो उसमें ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, मतलब 7 kg आप समझ लो, 7.5 हुआ है बट 7 kg समझ लो, 7 kg मेरा वेट लॉस हुआ है देखो। और लग रहा है कि नहीं यार मैं वेट लॉस ही करती जा रही हूँ, सिर्फ मेरा पता चल रहा है या नहीं बताना कमेंट करके, ठीक है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो रहा है क्योंकि मेरे पहले के जो जीन्स थे वो भी हो रहे हैं, टाइट्स भी हो रहे हैं पहले वाले जो पहले पुराने वाले जिम में होते थे, और उसके बाद मेरे ड्रेसेस भी कुछ हो रहे हैं उसमें, तो इसी वजह से मुझे मतलब इतना ज्यादा फर्क तो नहीं बट 7 kg भी बहुत होता है यार, 7 kg में भी काफी अच्छा फर्क लग रहा है, मुझे खुद को फील हो रहा है बट आपको दिख रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, वो आप कमेंट करके बताओगे। मम्मा तो कपड़ों से मतलब गेस करती कि पतली हो गई मैं। हाँ यार वो इंचेस लॉस तो हो रहा है ऑब्वियसली, अगर आपका इंचेस लॉस होता है तो आपको खुशी मिलती है, वो आप थोड़े से श्रिंक लगने लगते हो तो अच्छा लगता है, ऐसा जॉ लाइन दिखते हैं ऐसे जॉ लाइन तो नहीं दिख रही है अभी इतनी, अभी फेस छोटा हो गया है, फेस बिल्कुल छोटा हो गया है, मतलब पहले मैंने अपने जो रील्स है मैं पहले देखे मैंने, अरे हाँ इंस्टा पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, पहले वाले जो रील्स थे मैंने वो देखे कल नहीं आज ही देखे ना वही, हाँ, आज देखे और माई को बोला कि देखो मेरा फेस कितना बड़ा लग रहा है पहले और अभी वाले रील्स में देखो कितना छोटा लग रहा है, तो वो आप भी ऑब्जर्व करोगे जब आप इंस्टा पे जाओगे मुझे वहां पे फॉलो करोगे वहां के रील्स देखोगे तब आपको पता चलेगा, और आईडी है इंडियन मम कंचन, और माही को भी फॉलो कर देना, मैं भी लगा ही था कि आप बोलने वाली हो आपके लिए, मेरी आईडी है माही लाटे, तो माही इसकी आईडी इसकी XYZ अद्विक का भी जल्दी से ओपन करने वाली हूँ मैं इंस्टा, अद्विक अपने रील्स बनाएगा बहुत ज्यादा कर रहा है यार रील्स बनाने के लिए, अभी हो गया होगा ये बातें करते तो हाँ देखो हो गया, तो अभी इसे फ्लिप करना है ठीक है, रिस्की टास्क हाँ बस, और आसानी से वो येलो पार्ट निकल जाएगा उसमें से और आप व्हाइट व्हाइट का ऑमलेट खा सकते हो, अभी जान पे आ रहा था इसी वजह से ये बना रही हूँ, नहीं तो मेरा डिनर अलग होता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा उस पे वेट लॉस वाले वीडियो में, चलो अभी थोड़ा सा और ढक के रखती हूँ और बस बन जाने के बाद खाती हूँ आराम से और थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ, रेस्ट भी चाहिए यार, आज आते नहाया नहीं मैंने, आज तो जुम्बा भी किया अच्छे से, जुम्बा वर्कआउट बहुत मतलब 2 घंटे मैंने वर्कआउट किया आज, 2 घंटे वर्कआउट ही बोल सकते हैं क्योंकि 1 घंटा तो मेरा वर्कआउट होता ही है, उसके बाद जुम्बा था आज तो जुम्बा भी किया, उसके बाद जुम्बा करने से ना अच्छा लगता है एक्चुअली, मुझे डांस नहीं आता है बट जुम्बा करने से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाती है बॉडी, तो मतलब वहां पर वो मैम को देख देख के मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, हाँ उनको भी देख के मोटिवेशन मिलता है, इतना अच्छा लगता है उनको देख के, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छा है उन मैम का, उन्होंने भी बहुत ज्यादा वेट लॉस किया, मतलब ऐसे समझ लो उन्होंने 20-25 kg वेट लॉस किया होगा और इतनी टोन हो गई उनकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छा। मम्मा से मोटी थी पहले वो, हाँ, मेरे से मोटी थे वो बट इतने स्लिम हो गए, माही से थोड़े से ज्यादा होंगी, मतलब मतलब बराबर है, प्रॉपर है वो अभी। हाँ प्रॉपर है बहुत ज्यादा, मतलब पैड बिल्कुल भी नहीं रहा, मतलब पूरा नहीं बट अच्छे से वो अभी हो गई है, पूरे एकदम शेप में आ गई है, बहुत ज्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है उनका। मम्मा वो वीडियो देखा जरा बोलती मुझे ऐसे ही होना है, मैं तो वही सोचती हूँ कि यार वो मैम के जैसा ही होना है, मुझे तो मैम के जैसा ही होना है क्योंकि मेरे से वो मोटे थे और इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है उनका, तो उनसे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है कि उनको देख देख के कि हाँ वो हो सकते तो मैं क्यों नहीं हो सकती, इसी वजह से कोई तो भी आया है माही, जाओ देखो क्या खुशबू आ रही है। बन गया है ऑमलेट, तो ये देखो ये आसानी से अब ऑमलेट का येलो पार्ट निकल जाएगा, देखो ये वैसे निकालने जाते तो नहीं निकलता बट अभी देखो ये येलो पार्ट आसानी से निकल गया ठीक है,
अभी ऐसे येलो पार्ट निकाल के रखती हूँ मैं, तो येलो खाने के लिए मना किया है मेरे डाइटिशियन ने। इसमें लूंगी कर्ड, कर्ड भी मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, घर पे ही बनाया हुआ है लो फैट वाला। इसके ऊपर की मलाई निकाल ली थी, फिर जो दूध बचा हुआ था उसका मैंने कर्ड बना लिया। तो अभी ये सारी चीजें हो रही है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है वेट लॉस के लिए। देखो और सिर्फ ये आपके लिए है? हाँ सब सब आप लोगों के लिए है। आप लोग ये बोल रहे थे नहीं उनके लिए भी और मेरे लिए भी, मैं मुझे भी लग रहा था कि कोई हेल्थ इश्यू ना हो जाए। हाँ। तो इसी वजह से ये देखो अभी आराम से 3 अंडे का ये येलो पार्ट निकल गया, ये हो गया मेरा डिनर, और इसमें अभी कर्ड ले लूंगी। तो कर्ड एक मिनट आ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए यार। और आपको अगर वेट लॉस वीडियो चाहिए तो वो भी बोलना मुझे, मुझे अच्छा लगेगा बनाने के लिए। और वेट लॉस में जो जो भी मैं कर रही हूँ वो तो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, रिजल्ट भी काफी अच्छा मिल रहा है। आप भी करिए मेरे साथ और आपको भी रिजल्ट मिलेगा ही पक्का। चलो ये हो गया, ये पार्ट निकाल देती हूँ। ये पार्ट एक्चुअली एक तो मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि अद्विक भी अभी खा खा के बोर हो गया है। ये मैं मेरे जाते हैं कुत्तों के सामने, मतलब बाहर कुत्ते इसके लिए वेट ही करते रहते हैं अभी मेरे घर पे। चलो ये मेरा हो गया है डिनर रेडी। और अगर आप में से भी कोई मोटा मोटा होगा ना तो मोटा फॉलो करो अभी। फॉलो करो पतला होने के लिए। हाँ। तो उसमें मैं अभी टिप्स देती जाऊंगी आपको। हाँ। चलो ऐसे डिब्बे मत लेना, ऐसे मोटा बोला तो मैंने। हाँ मत लेना, सच में मैं भी वही बोलने वाली थी कि अभी वो लोग दिल पे आकर लेंगे। मैंने भी बहुत दिल पे लिया, दिल पे लेना। हाँ मैं तो वही बोल रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने दिल पे लिया इसी वजह से तो मैंने अभी स्टार्ट किया ना जर्नी अपना। तो वो लोग दिल पे लेंगे तो वो भी स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, वो भी पतले हो जाएंगे। चलो गाइस मिलती हूँ अभी नेक्स्ट नहीं सॉरी कल मिलती हूँ सुबह, क्योंकि अभी मेरे इसमें कैपेसिटी नहीं रही बात करने की आपसे। और बस चलो ठीक है, बाय 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 खत्म। चलिए गाइस अभी इसके बाद दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। जाने तो अभी इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद दिखाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मुझमें एनर्जी बची नहीं है। मैं खाना खाती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और हाँ वेट लॉस के अगर वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जल्दी से बनाने वाली हूँ। और वर्कआउट की वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे जल्दी से बताना, मतलब होम वर्कआउट जो होता है, क्योंकि जिम मैं तो जिम जा रही हूँ बट आप होम वर्कआउट भी कर सकते हो। जो मैं जिम में जाके करती हूँ वही वर्कआउट आप घर पे कर सकते हो, मतलब इतना अच्छा आप वर्कआउट घर पे कर सकते हो ना, मतलब ठीक है यार अभी मैंने तो जिम में पैसे भरे, हर कोई जिम में नहीं जा सकता है। तो आप घर पे भी वर्कआउट करके अपना वेट लॉस कर सकते हो, सिर्फ आपको डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, डाइट पे कंसिस्टेंट रहना है तभी जाके आपका वेट लॉस होगा। चलिए गाइस मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस। हाँ इंस्टा पे फॉलो जरूर करना, इंडियन मॉम कांचन आईडी है, वहां पे फॉलो जरूर करना और रील्स वगैरह देखना, अच्छे लगेंगे आपको। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बोल दो बाय। चलो बाय 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 नहीं वही वही ठीक था पहले, लव यू बोल दो, लव यू, लव यू बोलो, लव यू ऑल। फ्लाइंग किसी जो आप अद्विक ने पूछी है ना, पकड़ लो अभी उसको ऐसे अच्छे से, ऐसे पकड़ो, आई लव यू, लव यू ऑल, आई लव यू, पकड़ लो ऐसे आप लोग, बस 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 चलो खाती हो, एंड करने के बाद में भी कितना शूट कर रहे हैं हम।